This call is now being recorded. Call recording has now ended. जैसा कि दोस्तों आपने स्टार्टिंग में सुना है, अगर आपको भी कॉल रिकॉर्डिंग करते समय इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉल रिकॉर्डिंग वाले बॉर्डिंग साउंड को बंद कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अभी भी बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि जब आप कॉल रिकॉर्डिंग को करते हो तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव होती है, या फिर दोस्तों वो किसी को सेंड करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप किसी भी नंबर पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी कंपनी का फोन लिया है तो लगभग सभी कंपनी में गूगल डायलर आ रहा है, तो आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है वो फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो 101% आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च करना होगा TTSLX, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये सर्च करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिंपल नहीं है। अगर आप देखोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नाउ पे कर देते हैं, आपका ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कई बार क्या होता है, ये यहाँ पे नहीं पहुँचता, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पहुँचेगा। तो सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, स्पीच सर्च बाय गूगल एंड TTSLX करके, ठीक है। तो आपको स्पीच सर्च बाय गूगल पे इस तरीके से आपके फ़ोन में सिलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको बैक आ जाना है। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो गूगल डायलर है उस पर इस तरीके से टैप एंड होल्ड करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐप इन्फो पे जाना है। ऐप इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स मिलेंगी, बट तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी स्टोरेज यूजेज, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर कैसे करना है, इसके बाद क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, ठीक। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला बॉर्डिंग साउंड है बंद हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर लगाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं इसको स्पीकर पे डाल देता हूँ। नमस्कार, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। हम जानते हैं कि आप इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हुए वीडियो देखते। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरा जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला बॉर्डिंग साउंड है बंद हो गया है। और मैं आपको यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और तो और दोस्तों, जो आप रिकॉर्डिंग को किसी को शेयर करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे जो कॉल है कट हो गई है। कट होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट वाली लिस्ट में आ जाते हैं और आपको यहाँ पे एक माइक का निशान दिखाई देगा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और यहाँ पे मैं अगर प्ले पे क्लिक करता हूँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हुए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। या फिर दोस्तों ये किसी को आप भेजना चाहते हो तो यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप भेजना चाहते हो तो सेंड कर सकते हो। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे सेंड करके आप इस वाली रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये जो रिकॉर्डिंग है सेव हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप अपनी गैलरी में भी इसको सेव कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप किसी भी नंबर पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे ऑन कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए आप अपने इस डायलर को ओपन करोगे, इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेटिंग पे जाओगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको ये सेटिंग ऑन कर सकते हो। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में कोई भी नया नंबर आए उसकी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाए तो इस वाली सेटिंग को आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक नंबर पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आप सिलेक्टेड नंबर पर क्लिक करोगे और यहाँ से चूज ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपने डायलर पर जाओगे और यहाँ से दोस्तों आप वो नंबर सेलेक्ट करोगे जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हो। और यहाँ पे आपको एक और सेटिंग मिल जाएगी, ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर, ये आपको ऑन कर देनी है, जिससे दोस्तों इन नंबरों से जब भी आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी।
तो दोस्तों ये सारी सेटिंग करने के बाद भी आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको इसी में क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने इस पे टैप एंड होल्ड करना है, ऐप इन्फो पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल अपडेट, ठीक है, तो वहाँ से अनइंस्टॉल अपडेट कर देना। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स अच्छे से काम करने लगेगी, अगर इनकेस ये सेटिंग्स काम नहीं करती है तो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो मैं मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।